दोस्तों आज की इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है गैराजेस में, पर्सनल यूज के लिए या फिर कार वगैरह की रिपेयरिंग में। तो शुरुआत करते हैं इस अनोखी सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों हमें कमेंट करके बताएगा कि अब अगली वीडियो सीरीज किस टाइप की गैजेट्स पर देखना चाहते हैं, लाइक साइंस गैजेट, टॉय गैजेट, मोबाइल फोन गैजेट, कंप्यूटर गैजेट, यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज है जिनके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 9, ह्यूमन होस्ट। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी के नीचे की तरफ का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो जो मैकेनिक होता है उसको गाड़ी में बहुत तंग सी जगह में घुसना पड़ता है उसे सही करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की भी होता है और कहीं ना कहीं काम करने में भी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर चीज का एक बेहतरीन जुगाड़ है और ये गैजेट भी बेहद कमाल की चीज होती है जो कि मैकेनिक्स को बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों ये एक ऐसा पैड होता है जिसमें कि आपको बैठने की तो जगह मिलती ही है, साथ ही साथ अगर आप गाड़ी के अंदर रिपेयर करना चाहते हैं उसके नीचे के हिस्से में जाकर, तो कहीं ना कहीं ये इसका पूरा सरफेस फ्लैट हो जाता है जिस पर आप लेटकर आसानी से ड्रैग कर गाड़ी के नीचे जा सकते हैं। इसके नीचे की तरफ व्हील्स लगे रहेंगे जिससे इसे ड्रैग करना आसान रहेगा और आसानी से मूव करा पाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल एक चेयर की तरीके से भी कर सकते हैं जिससे कि रिपेयरिंग वगैरह करने में बहुत ज्यादा सुविधा रहेगी। तो इस तरीके का टूल मैकेनिक लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नंबर 8, ट्रेलर वैलेट। दोस्तों जो ट्रेलर्स होते हैं वो साइज में तो काफी ज्यादा बड़े होते ही हैं, साथ ही उनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, जिन्हें मूव कराने के लिए आपको एक पावरफुल इंजन की जरूरत होगी। लेकिन अगर जगह थोड़ी सी कम है और आप उसे पार्क कराना चाहते हैं, तो अगर आप किसी इस तरीके की गाड़ी की यूज करते हैं जो कि काफी बड़ी हो साइज में, लाइक ट्रैक्टर या फिर ट्रक वगैरह हो गया, तो कहीं ना कहीं पार्क आप नहीं कर पाएंगे अपने ट्रेलर को। तो इसी काम के लिए बनाया गया है खास तौर पर ये रोबोटिक टाइप का गैजेट जो कि दिखने में तो बहुत ज्यादा छोटा होता है लेकिन बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। दोस्तों सोच के देखिए, एक छोटा सा रोबोट जो कि रिमोट ऑपरेट होता है वो आपके ट्रेलर को ड्रैग कर सकता है, साथ ही आप जिस पोजीशन में चाहते हैं ठीक उसी पोजीशन में आपको पार्क करके देगा। इसे ऑपरेट करना भी बेहद आसान रहेगा जिससे कि आप रिमोट से इसे कंट्रोल कर पाएंगे और ये अपनी ही जगह पर 360 डिग्री में भी रोटेट कर सकता है, जो कि एक इसका कमाल का फीचर रहेगा। तो इस तरीके की चीज देखने में भले ही थोड़ी सी छोटी लग रही हो लेकिन वाकई काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि आपके ट्रेलर को आसानी से खींच सकती है। नंबर 7, अल्टीमेट टूल बॉक्स। दोस्तों हमारे घरों में नॉर्मल जो टूल्स होते हैं, प्लास, पेचकस, रिंच वगैरह, ये सभी कुछ अवेलेबल रहते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें रखने का कोई खास ठिकाना हमारे पास नहीं होता और जब भी हमें जरूरत पड़ती है किसी खास टूल की तो हम उसे ढूंढते रह जाते हैं और वो चीज हमें वहाँ पर नहीं मिलती। तो ये चीज सभी के यहाँ अक्सर होती है, हमारे यहाँ भी होती है, उम्मीद है आपके यहाँ भी अक्सर ऐसा होता होगा। तो अगर आप इस चीज से परेशान आ गए हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टूल बॉक्स को। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा टूल बॉक्स होता है जहाँ पर आप बहुत सारी टूल्स को एक साथ कैरी कर सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग फेसेस होते हैं जिन्हें आप रोटेट कराकर अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग साइजेस की रिंचेस देखने को मिल जाएगी, प्लास, पेचकस, जो भी आप चाहते हैं वो इसमें आसानी से लेकर कैरी कर सकते हैं। ये देखने में भी काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है, जो कि बाहर की तरफ से तो एकदम ड्रम जैसा लगेगा जिसे कि आप कहीं भी अपने घर में एक किनारे खड़ा कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ व्हील्स भी लगे होते हैं जिससे कि इसे लाना ले जाना भी बेहद आसान रहेगा और जब भी आपको किसी टूल की जरूरत हो तो फौरन इसे ओपन करिए और टूल आपके पास हाजिर रहेगा। तो कमाल की चीज रहती है जो कि घरों में बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में। वहीं दोस्तों इस तरीके के गैजेट्स का इस्तेमाल गैराजेस वगैरह में भी किया जा सकता है जहाँ पर टूल्स काफी ज्यादा होते हैं और रखने की जगह थोड़ी सी कम, तो ऐसी सिचुएशन में ये गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का रहेगा। नंबर 6, हाइड्रोलिक व्हील डॉलीज। दोस्तों अब जो टूल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो खास तौर पर बनाया गया है ऐसे गैराजेस वगैरह के लिए जहाँ पर फोर व्हीलर की रिपेयरिंग का काम होता है, क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ खराब हो जाया करती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में काम आता है आपके पास ये गैजेट जो कि आसानी से एक ऐसी हाइड्रोलिक गैजेट होता है जिसे कि आपके कार के टायरों पर फिक्स कर देना होगा और हाइड्रोलिक की मदद से आप आसानी से कार के टायर को हल्का सा ऊपर उठा देते हैं। इसके बाद इसके नीचे की तरफ बॉल बेयरिंग लगी होती है जिससे कि गाड़ी को आसानी से ड्रैग करके कहीं भी ले जाया जा सकता है, यानी कि टायर जाम होने के बावजूद भी आपकी कार चलती रहेगी। वहीं दोस्तों इसे मूव कराना बेहद आसान रहता है, हाइड्रोलिक की मदद से आसानी से आप अपनी कार को ऊपर की तरफ कर देते हैं जिससे कि नीचे की तरफ जो इसके व्हील्स लगे होते हैं छोटे छोटे वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, जिससे कि रिपेयरिंग के काम में आपको काफी ज्यादा सुविधा रहेगी। तो कमाल की चीज रहती है जो कि गैराजेस वगैरह में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। नंबर 5, मोकी डोर स्टैम्प। दोस्तों जो कार होती हैं उनकी रूफ को साफ करने के लिए अक्सर आपको स्टूल वगैरह लगाना पड़ता है जिसके बाद ही आपकी रीच उसकी रूफ तक हो पाती है। साथ ही अगर आपकी कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें ऊपर की तरफ आपको सामान रखकर बांधना हो तब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस तक पहुंच करने में। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है खास तौर पर ये छोटा सा टूल जिसका इस्तेमाल करके आसानी से आप अपनी कार की रूफ तक पहुंच सकते हैं। इसे आपको अपनी कार के डोर स्टेप पर लगा देना होता है जिसमें कि ये बहुत ही इजीली फंस जाएगा, जिसके बाद उसमें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आप खड़े होकर अपनी कार के ऊपर की तरफ कोई भी काम
कर सकते हैं, जैसे कि सामान बांधना हो गया या फिर कार की छत की सफाई हो गई, ये सारा काम इस पर खड़े होकर आसानी से किया जा सकता है। साइज वाइज ये चीज काफी ज्यादा छोटी होती है, जिससे कि आसानी से आप इसे अपनी कार में लेकर कैरी कर सकते हैं। वहीं इसकी कीमत भी कोई खास ज्यादा नहीं रहेगी, तो अगर आप इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, कार बेंच ऑटो बॉडी कोलिजन रिपेयर सिस्टम। दोस्तों, आपने गैराजेस वगैरह में देखा होगा कि जब गाड़ी की रिपेयरिंग होती है या फिर उन्हें धुलना वगैरह होता है तो उसे एक हाइड्रोलिक पैड पर खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद हाइड्रोलिक पंप्स की मदद से गाड़ी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि रिपेयरिंग करने में आसान रहती है। साथ ही साथ अगर नीचे का हिस्सा साफ करना हो तो उसके लिए भी ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में एक चीज जो होती है वो गड़बड़ ये हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी पर हल्के फुल्के डेंट डाल देता है साइड की तरफ, जो कि हो सकता है आपको दिखाई भी ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज गड़बड़ होती है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के हाइड्रोलिक पैड्स को, जिसमें कि ऊपर की तरफ रबड़ के फॉर्म्स लगा दिए जाते हैं अलग से, जो कि कहीं ना कहीं गाड़ी पर डेंट नहीं डालते हैं। तो इस तरीके का टूल हो सकता है पर्सनल यूज के लिए उतना ज्यादा बेहतर ना हो, लेकिन गैराजेस वगैरह में या फिर रिपेयरिंग सेंटर में काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। नंबर 3, मैकपैड मैग्नेटिक टूल होल्डर। दोस्तों, अगर आप कोई रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं और ऐसे में काफी सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है आपको, तो बार बार टूल्स को अपने बैग से निकालना या किसी से मांगना, ये चीज काफी ज्यादा उबाऊ होती है, जो कि आपको कतई पसंद नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सारे टूल्स जितने भी आपको काम है सबको कहीं एक जगह निकाल कर रख लिया जाए, जिससे कि इजिली एक्सेसिबल हो सके वो सारे, तो ये गैजेट इस काम में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, रबड़ का ये एक ऐसा पैड होता है जिसमें अंदर की तरफ मैग्नेट्स लगे होते हैं और किसी भी लोहे वाले सरफेस पर आप इसे लगा सकते हैं। इसमें रबड़ पैड होने की वजह से किसी भी तरीके का डेंट नहीं आता है। वहीं दोस्तों, इसमें आप अलग अलग तरीके के काफी सारे टूल्स वगैरह को लगा सकते हैं, यानी कि जैसे ही जरूरत होती है तो फौरन टूल्स इसे निकालिए, यूज करिए और फिर से एक बार इसमें चिपका दीजिए, तो काफी कमाल का रहता है ये शॉर्टकट, जो कि कहीं ना कहीं मैकेनिक्स वगैरह को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। नंबर 2, रिंग मैक फ्लेक्स इंस्पेक्शन लैंप। दोस्तों, एक ऐसा टूल जो कि सभी के घरों में होता है और सभी को उसकी लगातार जरूरत पड़ती रहती है, उस टूल का नाम रहता है दोस्तों टॉर्च। टॉर्च की जरूरत तो हम सभी को नॉर्मल लाइफ में तो पड़ती ही रहती है। मान लीजिए लाइट चली जाए या फिर किसी भी चीज को अगर हम लोग को बहुत ही ब्रीफली देखना हो, तो कहीं ना कहीं टॉर्च एक बेहतरीन मीडियम रहता है, जिससे कि हम लोग फोकस कर सकते हैं उस चीज पर। लेकिन दोस्तों, टॉर्च का कॉन्सेप्ट आजकल गायब हो गया, क्योंकि उसकी जगह मोबाइल फ्लैश ने ले लिया। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से जिंदा रखना चाहते हैं और एक ऐसी टॉर्च चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप एक टूल के तौर पर कर पाएं, तो ये गैजेट खासतौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस टॉर्च की खास बात रहती है कि ये साइज वाइज काफी ज्यादा छोटी रहती है, उसमें आगे की तरफ एलईडी लाइट लगी रहेगी जो कि 500 ल्यूमिन इंटेंसिटी की रहती है, यानी कि इसकी लाइट काफी ज्यादा तेज होने वाली है, जिससे कि फोकस करने में काफी बेहतरीन रहेगी ये लाइट। ये दोस्तों यूएसबी टाइप सी चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आती है, जिससे कि आप बार बार चार्ज करके इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि एक इसकी कमाल की बात रहती है। साइज वाइज काफी ज्यादा छोटी होती है, जिससे कि आपके आसानी से पॉकेट में भी आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस टॉर्च को खरीदना, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे हमेशा की तरह। नंबर 1, कार कैडी। दोस्तों, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए या फिर अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू हो जाए जिसकी वजह से वो स्टार्ट ना हो पा रही हो और आपको पीछे से धक्का लगाना पड़े, तो ये चीज काफी ज्यादा सरदर्द वाली होती है। ऐसे में अगर आपके पास 4-5 हट्टे कट्टे आदमी है तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये काम बहुत ज्यादा टफ होता है। तो इसके लिए बनाया गया है दोस्तों ये गैजेट, जो कि इस काम को बहुत ही बखूबी से कर सकता है। एक छोटी सी ट्रॉली जैसा दिखने वाला ये गैजेट दरअसल एक पावरफुल मशीन होती है, जो कि आपकी कार में धक्का लगाने के काम आएगी। इसे जब आप किसी कार के पीछे की तरफ लगाकर कार को पुश करते हैं तो काफी तेजी से ही धक्का देती है आपकी गाड़ी को, जिससे कि आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, धक्के नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी गाड़ी एकदम फ्रीली आगे की तरफ जाएगी। यानी कि बहुत पावरफुल मशीन होती है, जो कि खास तौर पर बनाई गई है इसी काम के लिए। तो इस तरीके का गैजेट भी आपके हो सकता है पर्सनल यूज में ना रहे, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि गैराजेस वगैरह में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो कैसा लगा है आपको ये गैजेट, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताइएगा। साथ ही इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, इसके बारे में भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। वहीं दोस्तों, अगर वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।